तो अगर आप किसी का व्हाट्सएप देखना चाहते हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का या फिर आपके बच्चों का, कि ये किससे बात करता है हमारे अब्सेंस में या फिर हमसे कुछ छुपा रहा है, तो मैं आपको दो टेक्निक आज ऐसी बताऊंगा जो आपको बिल्कुल करना पसंद भी करोगे और आपको पसंद भी आएगी, बट दिस इज़ टोटली फॉर एजुकेशनल पर्पज़, इट्स नॉट ऑफिशियली अ हैक। ठीक है, ऑफिशियल हैक नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। यूज़ इट ऑन योर ओन रिस्क। मैं इसका कोई भी किसी भी तरीके का बिल्कुल भी कुछ लूंगा नहीं। ठीक है, तो मेरा नाम है भूषण, वेलकम बैक टू द वैरायटी स्टफ। बेल आइकन प्रेस कर देना सब्सक्राइब करने के बाद। बिल्कुल नीचे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको QR कोड स्कैन करना है वगैरह, बिल्कुल भी नहीं करना है ये सब चीज़ें। हम करेंगे ऐसी चीज़ जो बाकी कोई नहीं बताएगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, आपको आगे वाले बंदे का, बंदी का, आपके बच्चे का फ़ोन लेना है। कुछ नहीं करना है, फाइल मैनेजर में जाइए, फाइल मैनेजर में व्हाट्सएप का फोल्डर सर्च कीजिए। उसमें आपको एक और फोल्डर सर्च करना है, डेटाबेस। डेटाबेस में आप जाओगे तो आपको दो फाइल्स मिलेंगी जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेगी। वो आपको कैसे भी करके आपके फ़ोन में लेनी है। ठीक है, फाइल का साइज चेक कर लीजिए, अगर साइज में कुछ गड़बड़ लगती है तो बिल्कुल आप उनके व्हाट्सएप को खोलिए, बैकअप लीजिए पहले। बिल्कुल भी किसी भी जो मैसेज है उसको रीड नहीं करना है आपने वो उनके। ठीक है, अभी पहले बैकअप ले लीजिए, फिर वही स्टेप आप फॉलो कीजिए, एनक्रिप्टेड फाइल्स ले लीजिए अपने फ़ोन में। बाद में आपको करना है एक चीज़, आपको करना है आपके व्हाट्सएप को अनइंस्टॉल, रीइंस्टॉल करने के बाद फिर से वो सब स्टेप कीजिए जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना होता है, फिर OTP आता है। अब OTP आने के बाद वो आपको बोलेगा कि रिस्टोर करना है डेटा। अब आप क्या करोगे, वो जो एनक्रिप्टेड फाइल्स है वो सेम व्हाट्सएप के फोल्डर में जाके डेटाबेस जो फोल्डर है उसमें आपको कर देनी है पेस्ट। ठीक है, अब ये पेस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, फिर से आपको जो आपने जो मिनिमाइज किया हुआ एप्लीकेशन है व्हाट्सएप का उसको आप खोलोगे। आपको करना है पूरे के पूरे मैसेजेस रिस्टोर। ये करने के बाद जैसे ये पूरे मैसेजेस रिस्टोर हो जाएंगे, आपके विक्टिम की जितनी भी चैट्स है ना वो पूरी की पूरी लाइन से बिल्कुल ऐसी दिखेगी ना, बिल्कुल पूरी पूरी रात एकदम आप जग जग के पढ़ोगे, ग्रुप्स व्रुप्स ये वो पूरी जोरदार। ठीक है, तो एकदम इजी तरीका है, बिल्कुल भी यानी आपको इसमें कोई ऑफिशियल हैक नहीं करना है। ठीक है, ये वैसे तो आप सिर्फ चैट्स पढ़ने के लिए कर रहे हो। ठीक है, समझ गए। अब दूसरी दूसरी जो मेथड है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, वैसे देखा जाए तो डिफिकल्ट है, अगर आप समझ गए तो डिफिकल्ट है, नहीं तो आपको थोड़ा तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, आपको जाना है सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको मिलेगा वहाँ पे बिजी बॉक्स नाम का एप्लीकेशन। मैं आपको लिंक दे दूंगा इसकी डिस्क्रिप्शन में, जाके बिल्कुल आप देख सकते हो। बिजी बॉक्स को इंस्टॉल करके खोल लेना है। अब क्या करना है, विक्टिम जो है, जो बंदा बंदी आपके बच्चे, उनका फ़ोन लेना है। बेसिकली बहुत बार व्हाट्सएप लॉक होता है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, आपको जाना है उनके सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके सीधा जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन में आपको ढूंढना है मैक आईडी। ठीक है, अब क्या करोगे आप, मैक आईडी जो है उसका स्नैप अपने फ़ोन में ले लीजिए, बिजी बॉक्स ओपन कीजिए। बिजी बॉक्स में आपको कुछ कमांड्स देनी है, जो कमांड्स मैं आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये कमांड देने के बाद आपको वहाँ कर देना है वो जो मैक आईडी है वो पेस्ट, या फिर आपको कर देना है टाइप, एंटर कर लीजिएगा। अब इससे होगा ये कि आपके फ़ोन का जो मैक आईडी है वो हो जाएगा चेंज। अब आप क्या करोगे, व्हाट्सएप जो है बीटा या फिर आप कोई भी पैरेलल स्पेस जैसी जो ड्यूअल स्पेस वाली जो एप्लीकेशंस होती है उसमें आप ओपन कर लीजिए, व्हाट्सएप इंस्टॉल वहाँ कर लीजिए, फिर से वही कीजिए। यहाँ पे नंबर आपको डालना है विक्टिम का, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके बच्चे किसी का भी। जैसे आप डालोगे नंबर, अब इस बार जो OTP आएगा वो आएगा आपके नंबर पे। ठीक है, समझिए बात, ये जो OTP आएगा ये सीधा आएगा आपके नंबर पे, और आपका पूरा का पूरा वो जो व्हाट्सएप है उनका वो आपके फ़ोन में स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट होने के बाद जितनी भी चैट्स है ना आप पढ़ पाओगे या फिर इवन आप चैट भी कर पाओगे। ये टेक्निक मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि बहुत से दुखियारे दोस्त हैं हमारे जो यानी सोचते हैं कि यार काश मैं कुछ कर पाता। भाई कर लीजिए, ऑफिशियली है ये, ठीक है, बट इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लूँगा, अभी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है,
तो ये सेकंड स्टेप थी, आप इसे कर सकते हो। जैसे ही आपका काम हो जाए तुरंत के तुरंत ये पूरा का पूरा फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। यानी बिजी बॉक्स आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। बिजी बॉक्स अनइंस्टॉल करने से पहले आपको खुद का मैक आईडी वहाँ पे पेस्ट करना है। मैक आईडी पेस्ट कर ये करके पेस्ट करके आपको खुद का मैक आईडी रिटर्न कर लेना है, और उसके बाद में उनका मैक आईडी वैसे के वैसे ही रहेगा, आपका फ़ोन जैसे के वैसे हो जाएगा जो आपके साथ आपके पास पहले था, ठीक है। समझ के बात को, ये थी सेकेंड मेथड। दोनों मेथड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ये अगर आपको पढ़ना है तो आप जा सकते हो मेरे वेबसाइट पे। यहाँ पे मैं डेमो नहीं दिखाऊंगा, इसका रीज़न है कि लोग डेमो मांगते ज़रूर है बट उसका मिसयूज़ ज़्यादा करते हैं। तो आप ये वीडियो पूरा सुन के जो मैंने स्टेप्स बताया है उसको फॉलो कीजिए, और मुझे ज़रूर बताइए कि आपने क्या सीखा, ठीक है। मैं किसी भी तरह की हैकिंग को यहाँ पे प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और बताइए मुझे बिजी बॉक्स वाली ट्रिक आपको अच्छी लगी या फिर सबसे पहले वाली जो मैंने बताया एकदम सिंपल और इजी वो सही लगी, ठीक है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अपना भी उनका भी सबका, है कि नहीं। चलो, थैंक यू।